बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है इंजीनियर साहब माना होता जी, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अक्सर बेस्टर आपके बारे में जानकारी लेता भी रहता हूँ, मेघा कोचिंग सेंटर और यहाँ के बच्चे से इसी में बड़ा मुतासिर ऐसी बुनियाद पे। की और मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि मैं बहुत जल्द एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहा हूँ। कंग्रेचुलेशन आपको एडवांस में। चलिए मुबारकबाद आपको एक नई राजनीति। और हमने गरीबी की चादर ओढ़ कर भी तालीम हासिल की, जो सर्टिफिकेट तो लिए है आईए का बीए का एमए का, लेकिन उन्हें सही से दो लाइन लिखने नहीं आता, दो बात बोलने नहीं आता। मुख्यमंत्री में तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। और आज सामने आप देख रहे हैं गौर सिद्दीकी साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशन की बात जानने वाले हमारे गेस्ट के रूप में आए हैं। पूरा वीडियो देखें अंत तक, इनसे हम पूछेंगे एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के बारे में, जिसमें आप लोग को देखने में काफी इंटरेस्ट भी होगा और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा कि अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन कहाँ तक करना चाहिए, अगर आप एजुकेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है उसमें क्या सरकारी जॉब ही एक लास्ट उपाय होता है या फिर प्राइवेट जॉब करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सारे बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हम गौर सिद्दीकी साहब से। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। आपका भी खैर मकदम। सर तो हमारा बहुत सारा स्टूडेंट आपसे ये जानना चाह रहा था कि सर गौहर सर आए कभी, तो उनसे आप ये सबसे पहले पूछे कि सर वो अपने जीवन का जो लाइफ है, जो जर्नी है, सर कहाँ से स्टार्ट किया है और कैसे इस मुकाम तक सर पहुँचे आप? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा घर बराही है और हमारे अब्बा बुजुर्ग मास्टर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद फजल करीम सिद्दीकी शेर व शायरी भी करते थे, शेर व शायरी के तखल्लुस में पंछी लिखा करते थे। चांद पट्टी उर्दू मकतब से रिटायर किए, वहीं पढ़े और मेरे घर के सारे अफराद पढ़े लिखे हैं और हमने गरीबी की चादर ओढ़ कर भी तालीम हासिल की और मैं अपने वक्त का भी टॉपर स्टूडेंट रहा। चंद हादसा मेरे साथ हुए, एक हादसा तो चांद पट्टी में हो गया जिसकी वजह से मैं ज़हनी परेशानी में भी रहा, लेकिन मैं पढ़ने में भी एक मजबूत स्टूडेंट था। शहर सियासत की ललक के चलते मैं ज़्यादा इधर इंगेज हो गया, फिर भी मैं एक कॉलेज में एमके कॉलेज यानी मुनि लाल कर्पूरी महाविद्यालय लक्ष्मीपुर पोस्ट मधुबन पुथी में उर्दू का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और मैं अक्सर व बेशतर तालीम व तरबियत पर बच्चों को के गार्जियन को कहता रहता हूँ, उनसे अपील भी करता रहता हूँ, बच्चों को हिदायत भी करता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ाओ। आपके भी प्रोग्राम में दो मरतबों में आया जी, राष्ट्रीय त्यौहार में जी 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी, तो मैंने एजुकेशनल टॉक ही किया जी, जी, जी। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अक्सर बेस्तर आपके बारे में जानकारी लेता भी रहता हूँ, मेघा कोचिंग सेंटर और यहाँ के बच्चे से इसी में बड़ा मुतासिर हूँ। और एक बात जो आपने कही इसके हम भी बस्तर हैं कि तालीम का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, तालीम का ये भी मकसद होना चाहिए कि हमें अदब आया कि नहीं, हमें तरबियत आई कि नहीं। तो आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी अगर अदब के माहौल में है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं या फिर बहुत सारे लोग क्या कि मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले उसका ये मकसद रहता है कि अगर हमें सरकारी जॉब नहीं मिला तो फिर हम कोई काम के लायक नहीं है, तो आपके विचार से क्या होना चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ जरूरी है कि आपको सरकारी जॉब ही चाहिए क्या, मतलब प्राइवेट से आप नहीं कुछ कर सकते, क्या है आपका सलाह? नहीं, हमारे बच्चों को या हमारी फिर नई नस्लों को ये मिजाज बदलना पड़ेगा जी, ये पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि मुझे नौकरी मिले, और पढ़ने का यह भी मकसद नहीं होना चाहिए कि किसी को सर्टिफिकेट मिले। बाज ऐसे भी बच्चे हैं जो सर्टिफिकेट तो लिए हैं आईए का बीए का एमए का, लेकिन उन्हें सही से दो लाइन लिखने नहीं आता, दो बात बोलने नहीं आता, तस्खीर और तानिश की खबर भी नहीं होती, इसलिए कोई नहीं बोलते हैं। तो तालीम का सिर्फ मतलब नहीं कि हम डिग्री लेते रहे, तालीम का मकसद ये भी है कि अगर हम जिस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं उसको पढ़ना चाहिए। अगर जिस डिपार्टमेंट मैथ पढ़ते तो मैथ में मजबूत रहे, साइंस में साइंस में ही मजबूत रहे, उर्दू में तो उर्दू में रहे, इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहे, हिसाब हिसाब कुछ एक सब्जेक्ट में कम्प्लीट होना चाहिए। तो पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों में कि हमें नौकरी ही मिल जाए, नौकरी मिलना बेहतर चीज है, लेकिन सरकार कहाँ तक नौकरी देती रहेगी, इसलिए तालीम और तरबियत के लिए अब पढ़ेगा तो अदब होगा, बड़े छोटे की पहचान होगी, ये भी मकसद होना चाहिए। और हम मुसलमान हैं, इस्लाम का की जो पहली आयत कुरान मजीद की नाजिल हुई ग़ार हिरा पर वो इक़रा से है, तब भी हमको पढ़ना है, वहां कहा है कि नौकरी के लिए पढ़ना है, ये तो तालीम को फर्ज करार दिया गया, तो फर्जीजत की बुनियाद पर भी अव्वलीन तरजीह तालीम को देनी चाहिए। तो आपने क्या समझे, आप ये समझे कि अगर आप
पढ़ते हैं तो पढ़ाई का एक अलग मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जॉब तो करना ही है, काम तो सबको करना है कि नहीं, लेकिन आप प्राइवेट में भी जाके काम कर सकते हैं और सरकारी भी लेके काम सकते हैं। सर कुछ दिन पहले हम आपका ऐसे तो हम राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन सर कुछ दिन पहले मैं आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री में तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, लेकिन वो पलट जाते हैं ऐसा कुछ कह रहे थे। सर थोड़ा वो बताएंगे उसके बारे में क्या बोले? एक पत्रकार साहब ने मुझसे पूछा जी, तो मैं उनके सवाल के जवाब में कहा और आज भी बता रहा हूँ, तो कल कहा था आज भी कह रहा हूँ, बिहार में असल वोट का हकदार अगर कोई है तो माननीय नीतीश कुमार ही है, नीतीश कुमार ही है। आप चले जाएं, आप सड़क देख लें, रोड देख लें, स्कूल देख लें, जिस स्कूल की छत की दीवारें गिरती थी, छत टूटती थी, बच्चे उसमें शहीद हो जाते थे, आज स्कूल बन गया, जिस हो रही है वहां दवा मिल रही है, वहां डॉक्टर बैठ रहे हैं। आप पूरे बिहार में कहीं चले सर के बन गए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, एक दो घंटा आधा घंटा कटती होगी अलग चीज है, तकनीकी चीज भी है, हो सकता है परेशानी हो, लेकिन बिजली की उपलब्धि है। अभी 50,000 रुपए बीए पास करने वाले बच्चों को मिलता है, कभी नीतीश कुमार ने यह नहीं सोचा कि ये मुसलमान की बच्ची से नहीं दे, ये दलित की बच्ची से न दिया जाए, ये महादलित की बच्ची से न दिया जाए, ये पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्ची नहीं दिया जाए, ये फुटबार की बच्ची है, सबके साथ सम्मान किया। मदरसा की हालत देख रहे थे, जिस मदरसा के असाध्य दाने दाने को मोहताज हो गए थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। पूरे बिहार में ये पहला बिहार है, पूरे देश में पहला बिहार है जहाँ स्पेशल 35,000 टीटीटी का उर्दू टीएटी का उन्होंने वैकेंसी निकाली। तो हर महात्मा नीतीश कुमार अव्वल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है। तो ये क्या हुआ कि अगर आपको एक सच्चे देशवासी बन के रहना है तो आपको हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और नहीं अगर आपके अंदर ये है तो ये तो सबसे पहले आपके अंदर मानवता नहीं है क्या सर? आप मिलजुल कर एकदम रहना है पूरा। मैं तो अक्सर कहता हूँ धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है इंजीनियर साहब मानवता, धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है मानवता, और मानवता की सबसे अच्छी परिभाषा है जी और जीने दो, जी और जीने दो। इस्लाम ने कहा है कि आपके घर में अगर गोश्त बनता है, अच्छा खाना बनता है, तो उसके साउंड इतना नहीं हो कि पड़ोसी को एहसास हो जाए, उसके बच्चे को एहसास हो जाए। इस्लाम एक अलग मजहब है, इसमें सादगी भी है, प्यार भी है, सबके लिए मोहब्बत भी है जी। सियासी बुनियाद पे की ओर मैं कह देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि मैं बहुत जल्द एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन आपको एडवांस है। चलिए मुबारकबाद आपको, एक नई राजनीतिक पार्टी का मैं गठन करूंगा, उस समय आऊंगा, आप सबसे मदद भी चाहूंगा। चलिए, जो साथी मुझे देख रहे हैं मैं खुद रिगार्ड करता हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे लोग जो है हमें सपोर्ट करने वाले चाहिए, और ऐसे हर एक अगर जो नेते लोग से जुड़े या फिर नेता है उन्हें अगर इस प्रकार का अगर उनका सोच और समझदारी होंगे तो हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा कंट्री जरूर आगे विकसित करेगा। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे गौर सिद्दीकी साहब का स्पीच आपको कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।